सारे पेशेंट्स के पास सिलेंडर की व्यवस्था तो हो जा रही है, लेकिन सिलेंडर होने के बाद उनके पास रेगुलेटर नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकते, तो ये सिलेंडर किसी काम का होता नहीं है। ऐसी कंडीशन में हम देख रहे हैं कि अभी मार्केट में है भी नहीं रेगुलेटर, जो रेगुलेटर लगा हुआ है, ये हम देख रहे हैं रेगुलेटर लगा हुआ है, ये रेगुलेटर मार्केट में इस समय नहीं मिल रहा है। तो हमने एक अपना एक तरीका है जिससे हम काम चला सकते हैं। तो इसमें 20 ml की सीरेंज लेनी है, ये 20 ml सीरेंज है, इस 20 ml सीरेंज को बैक से काट लेना है, इसका पिस्टन ले लीजिए, पिस्टन हाँ। तो ये सिरिंज जो है ये बेसिकली ऐसे थी, है ना, ये ऐसे है, तो हमने इसको काट के इसका पिस्टन निकाल दिया, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, इस पार्ट को इसमें फिट करना है, ऐसे आसान नहीं होगा, लेकिन पूरा फिट हो जाएगा, अगर हम मेहनत करेंगे तो फिट हो जाएगा, ठीक है। ये फिट हो गया, अब इसमें हम ऑक्सीजन की पाइप लगा सकते हैं, ऑक्सीजन पाइप जो है इसमें लगा के इसे फिट हो जाएगा, बहुत टाइट फिट नहीं हो पाएगा लेकिन फिट हो जाएगा। फिर बाद इसको हम टेप से प्लास्टर, एक टेप माइक्रोफोन ये करके इसको हम माइक्रोफोन ये फाड़ के हम इसको इस पर चिपका के और एक बना सकते हैं, एक तरीका है ये, इस पर हम बना सकते हैं। और फिर यहाँ से हम फ्लो जो है तो आप देखेंगे फ्लो जो है ये आना शुरू हो जाएगा, ये फ्लो में आना शुरू हो गया है, ठीक है। तो इस तरह हम पेशेंट को फिर मास्क लगा के ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो ये एक तरीका है जब तक आपका रेगुलेटर की व्यवस्था ना हो पाए, तो इसको आप लोग यूज करिए, ये बहुत कारगर है। थैंक यू। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।